दोस्तों, इस कहानी में हम एक ऐसे लड़के को देखेंगे जो कि अपने घर में काम करने वाली नौकरानियों को एक एक करके प्रेग्नेंट कर देता है। तो गाइस, मूवी का नाम जानने के लिए और मूवी के एक्सप्लेनेशन को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक टांगे वाली को देखते हैं जो कि एक लड़के को लेके आ रही होती है, जहाँ पे लड़के का नाम मेरिटो होता है, जो कि अपने गर्मी की छुट्टी को मनाने के लिए अपने घर आ रहा होता है। जहाँ पे हम मेरिटो को देखते हैं जो कि आते वक्त उस टांगे वाली के दो बड़े बड़े दिलों को देख रहा होता है। जहाँ पे वो टांगे वाली जो कि मेरिटो के घर की नौकरानी होती है और मेरिटो को ये सब देखते हुए देख लेती है, जहाँ पे वो मेरिटो को एक स्माइल देती है, जिसके बाद मेरिटो अपने घर पे आ जाता है। और जैसे ही वो अपने घर पे आता है, उसकी माँ उससे मिलती है और उससे बात करती है, मगर उसकी माँ की नज़र उसके पैंट पे जाती है, क्योंकि जब मेरिटो उस टांगे वाली के साथ आ रहा था तो उसके बड़े बड़े दिलों को देख के मेरिटो का पानी निकल जाता है। जहाँ पे हम एक और नौकरानी को देखते हैं जो कि मेरिटो की पैंट को साफ करने लगती है और उसकी माँ से कहती है कि ऐसी एज में ये सब होता रहता है। जिसके बाद मेरिटो अपने घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे उसकी छोटी बहन मिलती है, जिसके बाद मेरिटो जब फ्रेश हो जाता है तो उसकी छोटी बहन उसे लेके झील के पास जाती है, जहाँ पे मेरिटो देखता है कि उसके घर पे काम करने वाली सभी नौकरानियाँ वहाँ पे बिना कपड़ों के नहा रही होती हैं। जहाँ पे मेरिटो अपनी नौकरानियों को ऐसे देख के उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो भाग के सीधा अपने घर पर आ जाता है। और जब वो अपने घर पे आता है तो वो एक और नौकरानी को देखता है जो कि आधी बाहर होती है और आधी अंदर होती है और वो हिल रही होती है। अब वो क्यों हिल रही होती है ये तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे। जिसके बाद मेरिटो उसी को ही देख रहा होता है, जिसके बाद वो नौकरानी बाहर निकलती है और अपने कपड़े सही करके वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद मेरिटो ये सब देख के काफ़ी हक्का बक्का रह जाता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है। मगर अगले ही दिन मेरिटो फिर से अपनी सिस्टर के साथ उसी झील के पास चला जाता है, जहाँ पे सारी नौकरानियाँ फिर से वहाँ पे नहाने के लिए आ रही होती हैं। जहाँ पे मेरिटो उन्हें छुप के देख रहा होता है, मगर वो देखता है कि उसी के घर में काम करने वाले और सारे नौकर वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि उस नौकरानियों के साथ वहीं पे फिजिकल हो जाते हैं। जहाँ पे मेरिटो ये सब देख के वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो पास वाले चर्च पे जाता है और उसकी छत पे जाके बैठ जाता है। मगर तभी वहाँ पे मेरिटो की एंटी आती हैं, जो कि मेरिटो के घर पे ही रहती हैं, जहाँ पे वो चर्च में जाके फादर के सामने कन्विंस करने लगती हैं कि जब से मेरिटो घर पे आया है तब से मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और मैं मेरिटो के साथ हर रात बिताना चाहती हूँ। जहाँ पे हम मेरिटो को देखते हैं जो कि इस बात को सुन रहा होता है, मगर वो उस एंटी का चेहरा देखना चाहता था कि आखिर ये है कौन। जहाँ पे वो उस औरत का चेहरा देखने के लिए इतना नीचे जाता है कि वो सीधा गिर जाता है और फादर के पास चला जाता है, जहाँ पे वो फादर उसे उसके घर पे लेके आता है और उसकी माँ को ये सब बातें बताता है। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि अब इसके साथ क्या किया जाए। जहाँ पे वो फादर उसे एक सजा सुनाता है जिसके लिए उसे 100 कौड़े पड़ते हैं, जिसके बाद वो चुपचाप जाके लेट जाता है। जहाँ पे उसकी छोटी सिस्टर आती है और वापस से ये लोग सो जाते हैं। जहाँ पे रात में मेरिटो को कुछ आवाज आती है और वो जाग के बाहर देखता है तो वो उसी नौकरानी को देखता है, जो कि फिर से उसी पोजीशन में खड़ी होती है। जहाँ पे अब मेरिटो उससे पूछता है कि तुम हमेशा ऐसे क्यों खड़ी रहती हो और तुम्हारे पीछे कौन होता है, मगर वो नौकरानी उसको कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब मेरिटो ने ये सब इतना खुला खुला देख लिया होता है कि मेरिटो को भी ये सब करने का मन होता है। और जब वो घोड़े के तबेले में जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पे एक नौकरानी खड़ी होती है, जहाँ पे मेरिटो हिम्मत दिखा के उस नौकरानी को पीछे से पकड़ लेता है। जहाँ पहले तो वो नौकरानी उसे मना करती है, मगर वो मेरिटो को हाँ बोल देती है, जहाँ पे मेरिटो उसके साथ मजे ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेरिटो पूरी तरीके से खिलाड़ी बन गया होता है। वो सभी नौकरानी को एक एक करके अपने रूम में बुलाता है और हर रोज उनके साथ मजा लेता है और सभी नौकरानी भी उसके साथ खूब टाइम पास करती हैं। मगर एक बार जब मेरिटो फिर से उस घोड़े के तबेले में जाता है तो उसे वहीं पे वो औरत मिल जाती है जो कि चर्च में आके कन्विंस कर रही होती है। जहाँ पे मेरिटो उसे जाके पकड़ लेता है और उसके साथ फिजिकल होने के लिए कहता है, मगर वो लेडी उसे मना करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। मगर मेरिटो के जबरदस्ती करने पे मेरिटो की आंटी भी उसके साथ फिजिकल हो जाती है। जहाँ पे मेरिटो एक एक करके अपने घर में काम करने वाली सभी नौकरानियों के साथ फिजिकल हो चुका होता है, यहाँ तक कि वो अपनी आंटी को भी नहीं छोड़ता है। मगर अब मेरिटो का जाने का वक्त हो चुका होता है, मगर मेरिटो के जाने से पहले सभी नौकरानियाँ एक एक करके उसके पास आती हैं और सभी उससे ये कहती हैं कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। जहाँ पे हम उसकी आंटी को भी देखते हैं जो कि मेरिटो के पास आती हैं
और उससे बताती है कि वो भी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जहाँ पे मैरिटो इतनी औरत को प्रेग्नेंट करके और इतने बच्चों का बाप बनके वहाँ से चला जाता है। और इस सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमेन वांट्स। तो गाइस अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।